हेलो स्टूडेंट वेलकम टू योर जी के क्लास टूडे वी विल रीड जी के लेसन ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड लेसन है ट्वेंटी फिफ्थ विच नेम द इंडियन प्रीमियर लीग तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है अपने आई पी एल की जो टीम्स हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें आपको ज़्यादा कुछ ना बताते हुए ये बताऊँगी कि इसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसमें कौन कौन विनर है हाईएस्ट टीम स्कोर बताया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बताया है, और फास्टेस्ट सेंचुरी है, फास्टेस्ट फिफ्टी एंड मोस्ट विकेट्स ये सब बताया है एंड द पेज नंबर फोर्टी सिक्स में हमें क्या बताया गया है आईपीएल टीम्स के बारे में बताया गया है सिंगल पेज पे एक पे तो आपको शो किया हुआ उनका जो सिटी है उनका होम का होम ग्राउंड मतलब जहाँ पर वो खेले जाते हैं एंड उसका जो लोगो है वो शो किया है एंड नेक्स्ट पेज पे आप क्या है इसके टीम का जो है इनके नेम फाइंड करके सिटी नेम लिखोगे इनका होम ग्राउंड लिखोगे एंड लोगो लिखोगे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इस इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करोगे अपने बुक पेज को ओके एंड नाउ वी रीड द लेसन ट्वेंटी च टाइटल नेम इज़ फो फेमस टेनिस प्लेयर फेमस टेनिस प्लेयर लेट्स रीड द लेसन मैच दिज प्लेयर टू देयर कंट्रीज इसमें कुछ प्लेयर्स दी हुए हैं एंड सें कंट्रीज दी हुई है तो प्लेयर्स को कंट्रीज़ के साथ मैच करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़र फ्रेडर तो इसका मैच क्या है ये स्विटरलैंड का प्लेयर है। सेरेना विलियम्स ये है डी यू एस ए डी यूएसए फर्स्ट का क्या है रोजर फ्रेडर का सी स्विट्जरलैंड। सेकेंड का है डी यूएसए एंड थर्ड राफेल नाइडल उसका क्या है मैच है थर्ड का ई ई स्पेन एस पी एन स्पेन ई थर्ड का क्या है ई e, स्पेन एंड द फोर्थ सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा का मैच क्या है बी इंडिया सानिया मिर्जा कहाँ के हैं कहाँ से बिलोंग करते इंडिया बी एंड द फिफ्थ इज नोवक डोजोकोविक इसका क्या है फिफ्थ फिफ्थ का क्या है सर्बिया ए इसका मैच क्या है ए सर्बिया एंड द सिक्स मैच इज़ कोरोनिन वोजनिया की इसका क्या है सिक्स का है डेनमार्क एफ एफ इसके सामने ही है ना एफ़ डेनमार्क यस तो इसका ये मैच कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेसन इज़ अ थर्टी सेवन एनिमल ऑफ द गोल्ड रीजन एनिमल ऑफ द कोल्ड रीजन तो ये जो एनिमल्स हैं इनका बताया गया है कि ये कहाँ रहती हैं इन द एक्सट्रीम नॉर्थ द साउथ ऑफ़ अवर प्लानट द वेदर इज एक्सट्रीमली हार्श मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बीटिंग कोल्ड मतलब जो सह नहीं पाती ऐसी ठंड होती है ओवर द ईयर फ्यू एनिमल्स लाइक अ पेंगुइन हैव अडेप्टेड टू दिस एक्सट्रीम वेदर हे और आर अ फ्यू अदर एनिमल फ्रॉम दिस रीज़न आइडेंटिफाई दैम यूजिंग द हेल्प बॉक्स आपको ये इनके रीजन में जो ये वेदर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके नेम फाइंड करने हैं आपको बिल्कुल इसकी बिलो साइड आपको ऑप्शन मिले हुए हैं उस ऑप्शन को इसमें पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करके फिल करने नाओ अवर फर्स्ट पिक्चर रीजन वाइट है बियर है तो ये क्या है पोलर बियर Yes, it is polar bear. And the second picture of Antarctic Fox Antarctic ar Arctic Fox sorry Arctic Fox A R C T I C Fox Arctic Fox. इसका थर्ड का है वलर्स डब्ल्यू ए एल आर यू एस वलर्स यस थर्ड पिक्चर किसकी है वलर्स और फोर्थ क्या है रेंडियर हिरन जैसा दिख रहा है ना रेंडियर आर ई आई एन टी डबल ई आर और फिफ्थ पिक्चर किसकी है मस्क ऑक्स मस्क ऑक्स और द सिक्स पिक्चर किसकी है नरवेल नरवाल एन ए आर डब्ल्यू एच ए एल नरवाल और सेवंथ किसकी है सील एस सी एल सील और एट पिक्चर है बर्डसिया आर्कटिक टर्न आर्कटिक टर्न यस इसको ध्यान से आप क्वेश्चंस और देखकर स्पेलिंग राइट करोगे ना वी रीड द लेसन थर्टी एट थर्टी एट आप कौन सा लेसन रीड कर रहे हैं थर्टी एट विच नेम इज नो द मैमल्स मैमल्स जो स्थानदारी जो पशु होते हैं उनके बारे में बताया गया है फील द ब्लैंक्स यूजिंग द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन द हेल्प बुक्स फर्स्ट इज डैश इज मर्सपियल नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो इसका आंसर क्या है वोम्बेट फर्स्ट का क्या है वोम्बेट सेकेंड है ए डैश इज द मैमल दैट लेज एग्स जो अंडे फेंचता है वो कौन सा है स्पीनी एंटीटर स्पीनी एंटीटर यस सी का है सेकेंड के स्पेलिंग सुनोगे एस पी आई एन वाई स्पीनी ए एंड टी ई ए टी ई आर एनटीटर यस एंड द थर्ड इज़ डैश ए डैश इज़ द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई जो उड़ भी सकता है एक ऐसा मैमल है ये को उड़ भी सकता है इसका नाम है बैट its name is bat b a t bat yes and the fourth is a dash is a excellent tier tree climber it often drags its food on trees to protect it from other animal मतलब ये ऐसा एनिमल है जो पेड़ पर पे बहुत अच्छे से चढ़ सकता है तो वो कौन सा एनिमल है लियोपैड एल ई ओ पी ए आर डी लियो पार्ड यस एंड द फिफ्थ इज ए डैश कैन मेक अ साउंड लाइक अ ह्यूमन लाफर जो मनुष्यों की तरह हंसता है वो कौन है स्पोटिड हाइना स्पोटेड हाइना एस पी ओ डबल टी ई डी एच वाई ई एन ए हाइना स्पोटेड हाइना एंड द सिक्स इज डैश इज अ मेले वर्ड मीनिंग मैन ऑफ द फॉरेस्ट जिसका मतलब है मैन ऑफ द फॉरेस्ट तो क्या है इसका औरंगटन औरंगटन ओ आर ए एन जी यू टी एन औरंगटन यस एंड द सेवन थैश लिवज इन अ बोरो एंड फीड ऑन स्मॉल एनिमल सच एज रैट्स रेबिट रैट्स बर्ड्स इंसेक्ट एंड फॉर्म्स, यस तो इसका राइट right आंसर क्या है मंगूज, एम ए एंड जी डब्लो एस ई मंगूज एंड द एर्थ इज द डैश इज़ द फाउंड ओनली अ माउंटेन रीजन ऑफ़ सेंट्रल चाइना जो चाइना के बिल्कुल सेंटर में पाए थे पहाड़ों पर माउंटेन्स पे विच नेम इज़ जाइंट पांडा जाइंट पांडा जी आई ए एन टी पी एन डी ए जॉइंट panda now our 23rd lesson also completed and you watch the carefully you watch the video be carefully and fill your bookwork thanks for watching the video have a nice day